Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1990 की फ्रेंच फिल्म द हेयर ड्रेसर्स हस्बैंड के बारे में, जो कहानी है एंटोइन नाम के एक आदमी की, जिसे बचपन में एक हेयर ड्रेसर से प्यार हुआ और ये प्यार इस हद तक बढ़ गया कि उसने फैसला कर लिया कि वो एक हेयर ड्रेसर से ही शादी करेगा। फिल्म की शुरुआत में हम एंटोइन नाम के एक 12 साल के लड़के को नाचते हुए देखते हैं, जो इस फिल्म में अपनी कहानी बता रहा है। एंटोइन अब एक बूढ़ा आदमी है जो अपनी यादों में खोया हुआ है। वो अपने भाई के साथ बीच पर खेलने जाया करता था, जब उनकी माँ उन्हें खुद की बनाई एक अजीब शॉर्ट्स पहनाकर भेजती थी। और इस बात पर एंटोइन अब भी अपनी माँ से नाराज है। उस वक्त में 12 साल के एंटोइन को नाई की दुकान पर जाना बहुत पसंद था, पर वहाँ जाने की असली वजह उसके बाल नहीं बल्कि उस दुकान की मालकिन मैडम शॉफर थी। वो खूबसूरत औरत शादीशुदा नहीं थी, पर कई लोगों के साथ उसके अफेयर्स थे। उस सलों के अंदर जाते ही एंटोइन को वहाँ रखी चीजों की खुशबू आती थी, पर उनमें सबसे अच्छी खुशबू उसे मैडम शॉफर से आ रही खुशबू लगती थी। और तब से एंटोइन दिन रात मैडम शॉफर के बारे में ही सोचने लगा। उनकी सोच में वो इतना खोया रहने लगा कि उसे किसी और बात का ध्यान ही नहीं रहता था। और जब एंटोइन के पिता ने उससे पूछा कि वो बड़ा होकर क्या करना चाहेगा, तो उसने कहा कि वो बड़ा होकर एक हेयर ड्रेसर से शादी करेगा। ये सुनकर उसके पिता को गुस्सा आया, पर एंटोइन ने जब अपने आप को अपने कमरे में बंद कर दिया तो उसके माता पिता ने उससे कहा कि वो जो चाहे कर सकता है, और इससे एंटोइन की जीत हुई। बड़े होकर एंटोइन को एक खूबसूरत हेयर ड्रेसर मटिल्डा मिली, जिसे सिर्फ देखने के लिए लोग उसकी दुकान पर आया करते हैं। आज से 10 साल पहले मटिल्डा जिस दुकान में काम किया करती थी, उसके मालिक ने रिटायर होकर अपनी दुकान मटिल्डा को संभालने के लिए दे दी, क्योंकि मटिल्डा उनकी सबसे भरोसेमंद थी। पर ये बात दूसरी लड़कियों को तकलीफ देने लगी और अब मटिल्डा को अकेले पूरी दुकान संभालनी पड़ रही थी। एंटोइन मटिल्डा से उस वक्त मिला था जिस वक्त वो दुनिया में सबसे अकेली थी। मटिल्डा को एंटोइन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर एंटोइन को उसके पिता ने सिखाया था कि क्रॉसवर्ड खेलते वक्त जिस तरह हार नहीं मानी जाती, उस तरह कभी जिंदगी में भी हार नहीं माननी चाहिए। एंटोइन को भी सालों बाद मैडम शॉफर के बाद पहली बार किसी हेयरड्रेसर से प्यार हुआ है, इसीलिए वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। हिम्मत करके वो मटिल्डा के पास गया, पर तब भी वो घबराया हुआ था। और मटिल्डा को काम करते देख उसे मैडम शॉफर याद आई, जिनकी अचानक सुसाइड करने की वजह से मौत हो गई थी। जब मटिल्डा एंटोइन के बाल काट रही थी, तब बिना वक्त गवाए अचानक एंटोइन ने उससे कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है, पर मटिल्डा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और उन दोनों ने इस बात को टाल दिया। माफी मांगकर एंटोइन वहां से चला गया। उस रात के बाद एंटोइन मटिल्डा के घर के नीचे बैठा रहा और सोचने लगा कि मटिल्डा को वो याद है भी या नहीं। बचपन में एंटोइन के पिता ने उसे समझाया था कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो उसे पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और तब से एंटोइन उस बात पर कायम रहा है, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ खेलने की बात हो या मटिल्डा से शादी करने की। एंटोइन का मानना था कि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। 3 हफ्तों बाद वो वापस मटिल्डा के पास गया, जो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो एंटोइन से कभी पहले मिली ही नहीं। पर फिर एंटोइन के बाल काटने के बाद मटिल्डा ने अचानक कहा कि उस दिन जो एंटोइन ने शादी की बात की, वो बात उसे अच्छी लगी और वो एंटोइन से शादी करना चाहती है। उस वक्त एंटोइन के अंदर के उस बच्चे का सपना पूरा हुआ, जिसे एक हेयर ड्रेसर से शादी करनी थी। वो दोनों एक दूसरे से पहली बार बातें कर रहे थे और एक दूसरे को जानने लगे। और जब एंटोइन ने अपने पिता को बताया कि वो एक हेयर ड्रेसर से शादी कर रहा है, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और उनकी शादी में
एंटोइन का भाई और उसकी पत्नी और मटिल्डा के पुराने बॉस आए और उनके अलावा उन दोनों ने किसी को नहीं बुलाया। कुछ देर बाद वहाँ एक कस्टमर आया जो ये नहीं जानता था कि वहाँ शादी हो रही है, पर उसे वापस भेजने की जगह मटिल्डा ने उसका काम किया। एंटोइन जानता था कि उस दिन के बाद, उन सब के जाने के बाद, मटिल्डा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी और कोई भी इंसान या कोई भी बुरी चीज उनके बीच नहीं आ सकती। और एक छोटे हनीमून के बाद वो दोनों वापस अपनी जिंदगी में आ गए और उसी सैलून में अपना हर वक्त गुजारने लगे। एक दिन वहाँ एक आदमी हड़बड़ाते हुए आया जो बिना कुछ कहे आकर मटिल्डा के सामने बैठ गया। उस आदमी का पीछा करते हुए उसकी पत्नी आई जो सबके सामने उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली गई। उस आदमी ने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है और उनके तीन बच्चों को संभालने के साथ साथ वो घर को भी संभालती है। अपनी पत्नी की खूबसूरती और उसके काम की तारीफ करने के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। और थोड़े से ही वक्त में मटिल्डा और एंटोइन ने देख लिया कि शादी के बाद उनकी जिंदगी किस तरह बदलने वाली है। वो दोनों एक साथ खुश रहने लगे थे। पर फिर कुछ दिनों बाद वहाँ एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई जो वहाँ आने से डर रहा था। मटिल्डा उसे संभाल नहीं पा रही थी और तब एंटोइन ने उस बच्चे को अपना डांस दिखाकर चुप कराया। उस बच्चे को देखकर एंटोइन को एहसास हुआ कि वो और मटिल्डा शायद कभी बच्चे नहीं चाहेंगे। इसकी एक वजह और है कि प्रेगनेंसी की वजह से मटिल्डा मोटी भी हो जाएगी और एंटोइन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मटिल्डा को भी डर था कि एक दिन ऐसा आएगा जब एंटोइन उससे प्यार नहीं करेगा, पर एंटोइन उसे बेहतर महसूस कराता है और मटिल्डा और उसका हर दिन किसी हसीन सपने जैसा गुजरने लगता है। हर रोज हर वक्त एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। 10 सालों तक साथ रहने पर उनका सिर्फ एक झगड़ा हुआ, वो भी एक छोटी सी बात पर। उस झगड़े के अलावा उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी और वो झगड़ा भी ज्यादा देर तक टिका नहीं। झगड़े के बाद उस रात सब कुछ भुलाकर वो दोनों एक दूसरे को खुश करने लगे। और तब मटिल्डा ने कहा कि उन दोनों को सिर्फ मौत एक दूसरे से अलग कर सकती है। अगले दिन मटिल्डा और एंटोइन से मिलने वही आदमी आया जिसकी पत्नी ने उसे थप्पड़ मारा था। जब एंटोइन ने उससे पूछा कि उसकी जिंदगी कैसी चल रही है तो उसने कहा कि अच्छी नहीं चल रही। उसकी पत्नी ने अब उसे छोड़ दिया है जो कि वैसे भी होने ही वाला था, पर अब उसके तीनों बच्चे बीमार रहने लगे हैं। जब तक उनकी माँ साथ थी तब तक वो एक भी दिन बीमार नहीं हुए, पर अब उन्हें अकेले संभालना उस आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। कुछ देर तक अपने बच्चों के बारे में बातें करने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो बस ये चाहता था कि एंटोइन और मटिल्डा उसके प्यारे बच्चों को देखे। मटिल्डा और एंटोइन अपने पुराने बॉस से मिलने जाते हैं जो अब एक वृद्धाश्रम में रहते हैं। वो वहाँ खुश नहीं है और जानते हैं कि अपने आखिरी दिनों में उन्हें आसपास सिर्फ सुस्त चीजें और सुस्त लोग दिखाई देंगे। उस आश्रम में वो बिल्कुल अकेले थे चाहे उनके आसपास कई सारे लोग हो, और इसलिए वो कहते हैं कि इस जगह से बाहर की जिंदगी ही बेहतर है। एक तरफ दूसरों का मानना था कि मौत एक डरावनी चीज है और वो चाहते थे कि मौत आने पर उन्हें तकलीफ का सामना न करना पड़े, तो दूसरी ओर एंटोइन के दिमाग में मौत की एक ही तस्वीर थी, मैडम शॉफर की, और उसका मानना था कि मौत एक खुशबू से भरा एहसास है। एंटोइन की जिंदगी तब तक परफेक्ट थी जब तक वो मटिल्डा के साथ अकेला था। जब उनके सलाह के दरवाजे बंद होते हैं तो वो अपनी पत्नी के साथ अपने दिन का सबसे खूबसूरत पल बिता सकता है। वो दोनों जानते थे कि बाहरी दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं जितना वो समझते हैं। मटिल्डा भी ये जानती थी कि दिन पे दिन जिंदगी सुस्त हो रही है और हमेशा के लिए वो एंटोइन के साथ खुश नहीं रह पाएगी। ये खुशियाँ कभी ना कभी कम हो ही जाएंगी, और इसीलिए एक आखिरी बार एंटोइन के साथ वक्त बिताने के बाद मटिल्डा वहाँ से भागी। और बीच तूफान में उसने अपनी जान दे दी। उसे डर था कि एक दिन उनका प्यार खत्म हो जाएगा,
और सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए इससे पहले कि ऐसा हो, मटिल्डा एंटोइन को उस वक्त छोड़कर चली गई, जिस वक्त उन दोनों के बीच प्यार था, और अपने साथ सिर्फ अच्छी यादें लेकर मटिल्डा एंटोइन को छोड़कर चली गई। यही बातें एक लेटर में लिखकर उसने एंटोइन के लिए छोड़ी और कहा कि इससे एंटोइन उसे कभी नहीं भूलेगा। अंत में एंटोइन सलों को संभालने लगा और गम में डूबे रहने की जगह वो खुश रहने लगा, क्योंकि मटिल्डा भी यही चाहती थी। वो उसी गाने पर वैसा ही डांस करता है जो मटिल्डा को हमेशा से पसंद था। पर फिर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था। मटिल्डा को खोने का दर्द उसके दिल से अब तक गया नहीं है, और अब भी सदमा लगने की वजह से उसे ऐसा लगता है कि उस दरवाजे से मटिल्डा वापस आएगी और फिर से अपना काम शुरू करेगी। एंटोइन चाहे हमेशा मटिल्डा से ये कहता था कि अतीत खत्म हो जाता है, पर उसका अतीत उसकी जिंदगी में वापस आ गया। उसका पहला प्यार भी एक सुसाइड की वजह से खत्म हुआ, और आखिरी प्यार, दूसरी हेयरड्रेसर का प्यार भी सुसाइड की वजह से ही खत्म हुआ। मटिल्डा और एंटोइन दोनों ही अपनी जिंदगी में बदलाव से डरते थे। वो इस बात से डरते थे कि उन दोनों के बीच का प्यार बदल जाएगा और वो हमेशा के लिए अकेले रह जाएंगे। पर जिंदगी में बदलाव तो होने ही है, और जिंदगी का मौसम हमेशा सिर्फ हसीन नहीं होगा, उसमें तूफान आते रहेंगे। पर इसी तूफान के आने के डर ने उन्हें वही अंत दिया जो अंत वो कभी नहीं चाहते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।